हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इन दिस वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सोनम कपूर की एक फोटो से इंस्पायर्ड होके एक रिक्रिएशन लुक। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैंने यहाँ पे सोनम कपूर के क्लिपिंग्स दे दिए हैं फोटोज का, तो हाँ कोशिश करते हैं यही लुक क्रिएट करना। तो पहले एक डिस्क्लेमर है कि मैं सोनम कपूर नहीं हूँ, तो एग्जैक्टली उनकी तरह दिखने में तो नहीं लगूंगी, तो सिर्फ जितना हो सके उतना मैं सिमिलर मेकअप करने की कोशिश कर रही हूँ। फर्स्ट मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ गुड वाइब्स का रोज़ हिप टोनर। तो उसके बाद मैं अप्लाई किया है बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर फेस क्रीम, ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। मेकअप शुरू करने से पहले ये दो स्टेप मैं ऑलवेज फॉलो करती हूँ। फटाक से लेंस लगा लिया है, इसका कलर है हेजल। ओके, नेक्स्ट मैं लगा रही हूँ यहाँ पे फाउंडेशन जो कि है मेबलिन फिट मी फाउंडेशन इन द शेड 128। ब्यूटी ब्लेंडर से फाउंडेशन को अच्छी तरह से मैंने ब्लेंड कर लिया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ कंसीलर, ये है स्विस ब्यूटी का कंसीलर, कम बजट में बहुत ही अच्छा एक कंसीलर है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे और एक कंसीलर ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का, ये थोड़ा सा डार्क शेड में है जिसको मैंने एज ए कंटूरिंग के लिए अप्लाई कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे नोज़ कंटूर कर रही हूँ। ओके, मैं कंटूरिंग में इतना अच्छा नहीं हूँ, जितना हो सकता है उतना मैं ट्राई कर रही हूँ कंटूरिंग, तो ये भी मेरे लिए थोड़ा सा न्यू है। मेकअप में ब्लेंडिंग मस्ट है, आप फाउंडेशन लगाइए, कंसीलर लगाइए या फिर आई शेडो अप्लाई कीजिए, कुछ भी कीजिए, ब्लेंडिंग बहुत अच्छी तरह से करना ज़रूरी होता है, तब जाके थोड़ा सा फ्लॉलेस दिखता है। नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे येलो टोन का पाउडर। मैंने पाउडर को ब्लेंड नहीं किया है क्योंकि इसके बाद मैं आई शेडो लगाऊंगी और थोड़ा सा नीचे गिर सकता है इसलिए। ओके, नेक्स्ट अपने आईब्रोज को फिल कर रही हूँ एक आईब्रो पेंसिल, उसकी मदद से मैंने एक शेप दे दिया है। उसके बाद मैं वेट एंड वाइल्ड का आईब्रो किट से अपने आईब्रोज को फिल। अभी स्टार्ट कर रही हूँ आई शेडो लगाना, इसलिए मैंने आई लिड को थोड़ा सा कंसीलर अप्लाई कर लिया है। ओके, मैं फर्स्ट अप्लाई कर रही हूँ वाइट एंड वाइल्ड के इस पैलेट में से रोज़ इन द ईयर, ये पैलेट है, इससे एक ट्रांजिशन शेड। आप कोई भी लाइट ब्राउन कलर ले सकते हैं और उसका एज ए ट्रांजिशन कलर अप्लाई कर सकते हैं, ये पैलेट बहुत अच्छा है। नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ ये डार्क ब्राउन कलर को ट्रांजिशन सेट के थोड़ा सा नीचे। अप्लाई करने के बाद अच्छी तरह से मैं उसको ब्लेंड कर रही हूँ। मुझे यहाँ पे स्मोकी आई लुक क्रिएट करना है, तो मैंने एक ब्लैक ग्लिटरी आई शेडो लिया है और उसको पूरे आई लिड में लगा रही हूँ। स्मोकी आई लुक करने के टाइम आपको बहुत ही ध्यान से धीरे धीरे ब्लेंड करना है, क्योंकि एक बार अगर कुछ गलत कर दिया तो उसको फिक्स करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो मैं एक फ्लफी ब्रश लेकर बहुत ही धीरे धीरे से उसको ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद मैंने एक ट्रांजिशन कलर लिया है और उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है ताकि सीमलेस दिखे। नेक्स्ट मैं लगा रही हूँ प्लम का काजल और उसको मैं ब्लैक आई शेडो से ब्लेंड कर रही हूँ, तो आई लुक कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ मस्कारा, ये है लैक्मी आइकॉनिक का मस्कारा। ओके, मैं एक आईज तो कंप्लीट हो चुका है, दूसरा आईज कंप्लीट करके अभी आती हूँ। आई लुक कंप्लीट हो गया, इसलिए मैंने जो पाउडर लगा के रखा था उसको ब्लेंड कर लिया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ब्लशर लगा रही हूँ, ये मिस क्लेयर का लिप क्रीम है जिसको मैं एज ए ब्लशर लगा रही हूँ। लास्ट में मैं लगा रही हूँ हाइलाइटर, हाइलाइटर को मैं अपने ब्राउ बोन में नोज के ऊपर और चीक बोन में लगा रही हूँ। ओके, लिप शेड के लिए ओ माय गॉड, मैंने तीन लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई किया है। फर्स्ट मैं लगा रही हूँ एनवाई बेकार रेड कलर का लिपस्टिक, इसका नाम था शायद आई एम बॉम्बॉक्स टाइप, ऐसा कुछ नाम था। इसको लगाने के बाद मुझे लग रहा था थोड़ा सा कलर को चेंज करना चाहिए, क्योंकि सोनम कपूर का जो लिप कलर है थोड़ा सा
ब्राउनिश रेड कलर का था मुझे जितना समझ में आया। तो मैं नेक्स्ट लगा रही हूँ ये माइक ग्लैम का लिक्विड लिपस्टिक, ये थोड़ा सा ब्राउन टोन में है, वो भी मुझे प्रॉपर वो कलर नहीं मिला। लास्ट में मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है NYB का और एक लिपस्टिक जो कि है डीप ब्राउन कलर का, तो तब जाके मुझे थोड़ा सा सेटिस्फाई मिला है। ऊपर से मैंने थोड़ा सा लिप ग्लॉस लगा लिया है, बस मेरा लुक कंप्लीट हो चुका है। मैंने कोशिश की है उनके जैसे थोड़ा सा लुक क्रिएट करने का। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा कि कितना मैं सिमिलर कर पाई हूँ। तो कैसा रहा मेरा ये आज का रिक्रिएशन वीडियो, होपफुली पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।